विगत रोज पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सिविल लाइन थाना पुलिस ने सड़क किनारे खड़े होकर शराब पीने वाले लोगों को खदेड़ा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने फोर लेन पर 8 पेटी अवैध शराब के साथ 2 युवकों को भी पकड़ा, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुआ है। सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब दुकानों के आसपास सहित अन्य इलाकों में सड़क किनारे खड़े होकर शराब का सेवन करने वाले लोगों की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर बीती रात SP के निर्देशन में वे अपने अमले के साथ गश्त पर निकले। इस दौरान स्टेडियम के समीप बजरंग नगर, पन्ना रोड और फोर लेन के पास सड़क किनारे खड़े होकर शराब पीते लोगों को खदेड़ा गया। इस बीच मुखबिर से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिलने पर पुलिस ने देर रात हाईवे पर गठेवरा के पास स्थित शराब दुकान के पास 8 पेटी अवैध शराब सहित सत्यम सिंह और भरत पटेल निवासी गठेवरा को दबोच लिया। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों के पास से अवैध कट्टा भी मिला है। दोनों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।